आज के मंथन का टॉपिक है विनाश के समय हमारे पास में हमारे शास्त्रों में या बाबा के द्वारा जो भी हमें बातें बताई हैं उसके द्वारा हमारे पास में दो दृष्टांत हैं। विनाश के समय में गॉडली स्टूडेंट्स या संपूर्ण स्टूडेंट्स वो दो तरह के रोल निभाते हैं, दो दृष्टांत हैं। एक है पांडव सेना का और एक है शिव शक्ति सेना का। तो आज का मंथन इस पे ही चला कि संगम के अंत के समय में इन दोनों ही रोल्स के बीच में या इन दोनों ही हमारे कर्तव्यों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। पांडव सेना और शिव शक्ति सेना दोनों का रोल कैसा होगा अगर हम इन दोनों दृष्टांतों को देखें अभी तक भी जो भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार पांडवों का कभी गायन नहीं होता है, सॉरी पांडवों का कभी पूजन नहीं होता है, पांडवों को कभी पूजा नहीं जाता है, पांडवों को कभी मंदिर में नहीं बिठाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उनका गायन होता है कि उन्होंने भगवान का साथ ले करके या भगवान का साथ निभा करके किस तरीके से विश्व की राजाई हासिल करी। इनकम्प्लीट दृष्टांत है, शास्त्रों में ये बताया है कि पहाड़ों पे जाके गल मरते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम समझें तो वो युद्ध जो था वो वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए ही था, और वर्ल्ड डोमिनेंस का ये जो युद्ध था वो उन्होंने अपने ही भाइयों के साथ लड़ा और यादवों के साथ लड़ा जो उनसे रिलेटेड नहीं थे बट फिर भी वॉर में इन्वॉल्व थे। तो एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ दूसरा दृष्टांत जो है वो होता है शक्ति सेना का, कि किस तरीके से नव दुर्गा ने या कई सारी शक्तियों ने, वो दुर्गा जो त्रिमूर्ति के द्वारा पैदा हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दुर्गा का जो जन्म होता है, जो दिखाया है शास्त्रों में, वो त्रिमूर्ति के द्वारा दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही जब अपनी शक्तियों को मिलाते हैं तो दुर्गा प्रकट होती है या शक्ति प्रकट होती है, और वो शक्ति असुरों का संहार करती है। तो एक दृष्टांत है वो। तो मंथन चला कि किस तरीके से ये दोनों ही रोल्स अलग होने वाले हैं। और शक्ति सेना का तो हमें पता है, पूजन भी है, मंदिर है, जगत अम्बा का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, सारी नौ शक्तियों का मंदिर है। तो क्या फर्क है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रोल्स के बीच में। और बाबा तो हमें बोलते भी हैं कि अर्जुन मना जो सबसे ज्यादा प्यारा है भगवान को वो अर्जुन था, श्री कृष्ण को जो सबसे प्यारा था वो अर्जुन था, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के बहुत करीब था। लेकिन वो कितना भी करीब रहा वो कभी भी पूजन योग्य नहीं बना। तो हम समझ सकते हैं इन दोनों के रोल में क्या होगा, किस तरीके से इनका अंत का रोल होगा, और कौन कौन सी आत्माएं हैं वो जो ये रोल प्ले करेंगी। आज की मूल्य में बाबा ने अंत के दृश्य कुछ स्पष्ट किए और बोला कि अंत में हम सभी चले जाएंगे, थोड़े यहाँ रहेंगे, उस उधर के भी यहाँ रहेंगे और इधर के भी यहाँ रहेंगे, जो कि कुछ होंगे जो सफाई के निमित्त होंगे, कुछ होंगे जो सत्युग की रचना के निमित्त होंगे, जो जाकर के सत्युग की स्थापना है ना, जो स्थापना में जो उनके महल होते हैं वो सब बनाने के निमित्त होंगे। तो ये जो पार्ट है वो किस तरीके से चलेगा, हम सोच सकते हैं शक्ति सेना का रोल कुछ मुझे लगता है इस तरह से होगा कि वो शक्ति सेना जो पूजन योग्य बनी है, पूजन योग्य बनने का आधार ये रहता है कि वो साक्षात्कार मूर्त होंगी। पांडव सेना साक्षात्कार मूर्त नहीं होंगी। साक्षात्कार मूर्त का मतलब क्या है, पांडवों को बताया कि वो गल मरे, लाइक जब वो कंप्लीट हो गया, वॉर कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने अपना जो देहिक जो शरीर था उसको त्याग दिया, और त्यागने के बाद कहाँ गए वो नहीं बताया है शास्त्रों में। लेकिन जो शक्ति स्वरूप है, जो हमारा फाइनल शक्ति स्वरूप है, बाबा ने एक अव्यक्त मूल्य में भी कहा था, आपका जो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, जो अंत का स्वरूप है, वो देवता स्वरूप है, वो देवता है,
उसी समय हमारा पूजन होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम फरिश्ता स्वरूप धारण करते हैं बल्क में, मना सारे जो हम जो भी शक्ति सेना में होंगे वो जैसे ही फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे तो वो साक्षात्कार मूर्त होंगे। साक्षात्कार कराने के, भक्तों की मन्नतें पूरी करने के निमित्त बनेंगी शक्ति सेना। वो शक्ति सेना जो हर एक अपने भक्तों की, या मान लीजिए ना कि सिर्फ भक्त बट जो कहीं पर भी फंसी हुई आत्माएं हैं उनको भगवान के करीब लाने की वो पोर्टल बनेगी जिनके द्वारा परमात्मा का लोगों को दिव्य साक्षात्कार होगा जिस भी चीज में वो जानते हैं। और किस रीति से होगा, साक्षात्कार मूर्त तो वो बनेंगी ही बनेंगे लेकिन वो संहारी मूर्त भी है, शक्तियों को असुरों का संहार करते हुए भी दिखाया है तो पूजन भी दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंत का जो स्वरूप होगा उसमें जो शक्ति सेना होगी वो जिसको भी साक्षात्कार करा रही होगी, साक्षात्कार कराते 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 उनके अंदर के असुरों को या उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है उनको खत्म भी कर रही होगी और परमात्मा से मिलन मनाने के, पास लाने के, करीब लाने के निमित्त बन रही होगी। वर्सेस पांडव सेना, बाबा ने पांडव सेना का भी बहुत गायन किया लेकिन बताया है, पांडवों की भी बाबा बहुत तारीफ करते हैं लेकिन शुरू से पांडव सेना के बारे में जो बोला जाता है वो होते हैं जो शक्तियों को सपोर्ट करते हैं, जो पीछे रहते हैं, जो सूक्ष्म में लड़ाई करेंगे किससे, नेगेटिविटी से। प्रत्यक्ष शक्तियां होंगी लेकिन उनको प्रत्यक्ष करने में मददगार पांडव सेना होगी। किस तरीके से, जो हमारी अंतिम अवस्था, ऐसा नहीं है कि आज जो बहनें हैं वही शक्ति स्वरूप बनेंगी और जो भाई हैं वो नहीं बनेंगे, नहीं, ये तो रोल है, दृष्टांत है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। जिसकी जैसी अवस्था होगी, जिसकी जितनी संपूर्णता होगी उसी के बेसिस पर ये दोनों रोल्स डिसाइड किए जाएंगे। प्लस जिसके अंदर जो गुण होंगे, शक्तियों का गुण जो गायन है वो माँ का स्वरूप है, ममता का स्वरूप है, पालना का स्वरूप है। इसलिए हो सकता है कि मैक्सिमम उसमें माताएं हो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भाई लोग नहीं हो सकते, लेकिन हाँ उनका जो स्वरूप होगा वो पालना का स्वरूप होगा, विश्व को अपना बच्चा देखने का उनके अंदर गुण होगा, विश्व के प्रति अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, जैसे कि एक बच्चे के प्रति माँ की जिम्मेदारी होती है उसको लायक बनाना, उसको संभालना, वो जो कर्तव्य को जो साधे हुए होंगी मुझे लगता है वो शक्ति सेना होगी। वर्सेस पांडव सेना, पांडव सेना ने विश्व की जिम्मेदारी नहीं ली थी, पांडव सेना ने सिर्फ एक ही जिम्मेदारी ली थी कि उनको उनको नेगेटिविटी को हटाना है। तो उनके अंदर के गुण क्या होंगे, वो भी संहारी है, वो भी वॉर पे तो है ना, लड़ाई तो कर ही रहे हैं, वॉर की सरहद पर खड़े हैं और खड़े होकर के लड़ रहे हैं लेकिन उनका लड़ने का स्टाइल अलग है और जो उनका स्टाइल है उसके अनुसार वो गुप्त है और गुप्त होने के कारण बाबा ने कहा है बहुत बड़े नंबर है। बाबा हर जगह कॉम्पनसेट करता है, बाबा ऐसे नहीं कहता कि आप प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हो तो आपको वहां पद नहीं मिलेगा, लेकिन गुप्त को तो और भी बड़ा पद है तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन उनका जो स्वरूप होगा वो होगा साइलेंस का, उनका जो स्वरूप होगा वो होगा साइलेंस की और प्योरिटी की शक्ति से कई सारे वॉर्स में, जो हमारे ये वॉर चल रहा है फाइनल नेगेटिविटी के प्रति, इस वॉर में सहयोग देना। तो ये दोनों ही निर्भर, इन दोनों ही रोल्स इस बात पे निर्भर करते हैं कि हम किस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज के समय में देखा जाए अगर अब हम अपने ही यज्ञ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देखें, मधुबन में निवासी जो भी हैं, जो भी मधुबन में बैठे हैं वो तपस्वी मूर्त हैं, उनका सब कुछ सेट है, उनका दिनचर्या सेट है, उनका खाना सेट है, उनका रहना सेट है, सब कुछ सेट है, उनका सोना सेट है, कब सोना है कब उठना है, एक के बाद एक के बाद एक डिसिप्लिन में हर चीज मूव होती है और वो डिसिप्लिन उनकी बहुत बड़ी शक्ति बनती है क्योंकि हर एक चीज को सही समय पे सही रीति प्रमाण किया जा रहा है और वो कंप्लीट हो रहा है। तो दृढ़ता भी रहती है तो उसके अंदर डिसिप्लिन की जो शक्ति होती है वो बहुत भारी होती है, बहुत ज्यादा होती है। वर्सेस अगर हम अपने सेंटर के माहौल को देखें, किसी भी तरह की
कैसी भी सेवा होती है वहां पर, कभी तो रात भर जगना होता है, कभी दिन भर जगना होता है, कभी कितना सेवा होती है, कभी क्या सेवा होती है, बहुत फ्लेक्सिबल सेवा है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी बना कि हर एक चीज को समाने की जो शक्ति है और हर एक चीज को समाते हुए सहन करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाने की शक्ति है, बना कि बेसिकली एक तरीके से जो वट वृक्ष फैल रहा है उसको फैलाने की, नया डायरेक्शन देने की, नई एक टाली निकालने की, नए लोगों को जोड़ने की जो सेवा है उसके लिए अलग क्वालिटीज यूज में आती है। और वहां पे बाबा ने बहनों को बिठाया है और मधुबन में मैक्सिमम भाइयों को बिठाया है। तो इससे पता चलता है कि बाबा की बुद्धि में, बाबा के मन में किस तरह की सेवाएं किन किन के निमित्त लिखी है, और वो उस सेवा के लिए एकदम एक्यूरेट है। लेकिन वो हर एक सेवा हमारे अंदर गुण भरने की सेवा करती है। आज हम कोई भी सेवा अगर कर रहे हैं, किसी भी तरह की सेवा करें, भले हम डिसिप्लिन में भी रह रहे हैं, डिसिप्लिन भी बहुत हाई कॉस्ट में आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आ जाता है। आपको हर एक चीज सही समय पे खत्म करनी है और सही समय पे शुरू करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज, तब वो आत्मा डिसिप्लिन में रह पाती है। तो यहाँ पे कितनी ज्यादा दृढ़ता की शक्ति का यूज हो रहा है, और दृढ़ता की शक्ति ही तपस्या में काम आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें सेंटर्स की सेवा, तो वहां पर कितनी ज्यादा सहनशीलता और कितनी ज्यादा धैर्यता की शक्ति की काम आ रही है। कुछ भी हो जाए हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज को समा के चलना है, समेट के चलना है, जोड़ के चलना है, ले करके चलना है। तो वो वाली धैर्यता की शक्ति कितनी ज्यादा जरूरी है जबकि हम किसी के भी विकारों का सामना करें। आज अगर हम देखें हमारे सामने कोई आत्मा बहुत भयंकर रीति से चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है और सब कर रही है, जैसे कि हमने दादी का भी एक एग्जाम्पल सुना था इसमें, तो बोले जा रही है, करे जा रही है, और हम धैर्यता से और शीतलता की मूर्त बन करके हर एक बात को सहन कर समा रहे हैं, एंड वी आर ओके, इट्स ओके, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वो माया के वश है, या हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें हमारा भाई है, बहन है, छिपी है और दिख नहीं रही है अभी, उसके ऊपर ये भूत सवार है, जो भी ज्ञान हमें बताता है, जो भी डायरेक्शन देता है, उसके अनुसार हम उनको सहन कर रहे हैं, समा रहे हैं और धैर्यता से वेट कर रहे हैं कि कब उनका ये भूत उतरे और हम उनको चाय पानी पिलाएं, शांत करें और हम उनको ओके करके आगे बढ़ें। तो हर एक सेवा जो बाबा आज करवा रहे हैं, उस हर एक सेवा के पीछे राज है कि हमें वही सेवा क्यों मिली है, और वो सेवा मिलने के लिए, इस सेवा के द्वारा ही बाबा हमें आने वाले समय के लिए, जो हमारी सबसे बड़ी सेवा होने वाली है, युग परिवर्तन की, विश्व परिवर्तन की और कल्प परिवर्तन की, तीन परिवर्तन जो हमारे सामने खड़े हैं, ये तीनों परिवर्तन में जो हमारा मेजर रोल होने वाला है, जिसका ही आज भक्ति में गायन है, पूजन है, जो भी है होने के कारण, वो वहां तक पहुंचाने के लिए ये सेवा ही हमारी निमित्त बन रही है। इस सेवा के द्वारा ही हम वो हर एक गुण शक्ति अपने में धारण कर रहे हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब लेके जाएगी। अगर सेवा नहीं हो तो हम ये सारी चीजें धारण नहीं कर सकते, लेकिन वो सेवा का रूप रंग हर एक आत्मा के लिए अलग अलग है। किसी का सेवा का रूप ये है कि वो एकदम वृक्ष बन करके और अपनी जड़ों को फैला करके एक स्तंभ बने हुए हैं जिसके ऊपर यज्ञ चल रहा है। तो किसकी सेवा ये है कि वो रीच आउट कर रहे हैं, नए नए लोगों को ला रहे हैं और उन नए लोगों के विकारों को भस्म करने के, बाबा से जोड़ने के, सोच परिवर्तन करने के निमित्त बने हुए। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह के रूप दिखने वाले हैं और उन रूप मना कि किस तरह का अंत का दृश्य दिखने वाला है। जैसे बाबा ने आज दो नई बातें बोली विनाश के लिए, दो दो लोगों के बारे में, दो ग्रुप्स के बारे में बाबा ने बताया, एक उनके तरफ के और एक अपने तरफ के रह जाएंगे, और रह जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ होंगे जो सफाई करने के निमित्त बनेंगे, तो कुछ होंगे जो ये महल बाड़ी बनाने के निमित्त बनेंगे। तो उनके पीछे भी तो कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण तो काम ही कर रहा होगा ना। और बाबा ने क्या कहा, हम तो सब चले जाएंगे और जब हम आएंगे तो हम कुछ राजा ही रह जाएंगे जिन राजाओं के घर में हमारा जन्म होगा,
लेकिन उनकी मिल्कियत हमारे काम नहीं आएंगी, उनके घर में हमारा जन्म जरूर होगा लेकिन वो जो राजा है और उनके पास जो मिल्कियत है वो हम नहीं लेंगे। लेकिन हम क्या लेंगे फिर उनसे? उन राजाओं से विश्व का राज्य लेंगे, ट्रांसफर होगा, राज्य ट्रांसफर होगा कलयुगी असुरी आसुरी राज्य से सत्युगी श्रेष्ठाचारी राज्य में। ट्रांसफर जो होगा वो ट्रांसफर करने के लिए हमें राजाओं के घर में ही जन्म लेना पड़ेगा, और उस समय तक राजा होंगे जो भारत को फिर से चलाना शुरू करेंगे, तभी तो वो ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो पजल के पीसेस हैं, जो हमें बैठ करके थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरीके से अंत की सेवाएं होंगी और उस सेवा के लिए क्या ये युग परिवर्तन होगा, ये विश्व परिवर्तन होगा, कल्प परिवर्तन होगा, उसके लिए हमारी किस तरह की गुण शक्तियां काम में आ रही है, और उन गुण शक्तियों को भरने के लिए आज का हमारा पुरुषार्थ बाबा हमसे क्या करा रहा है। क्योंकि बाबा को ही हमें वो बनाना है जो हम बनने वाले हैं, हम बनने जरूर वाले हैं, लेकिन बनाने वाला तो शिव बाबा है, वहां तक पहुंचाने वाला ड्रामा में शिव बाबा का ही पार्ट है। तो ये आज का मंथन चला, थोड़ा पढ़ के बताते हैं। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, तभी दो का गायन है, किसके बीच में? शक्ति सेना और पांडव सेना। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पूजन शक्ति दल का है, पांडवों का सिर्फ गायन है। सो आई थिंक शक्तियां साक्षात्कार का रोल प्ले करेंगी एंड पांडव लड़ाई करने का, बट एग्जैक्टली क्या होगा एंड हाउ विल इट प्ले इट ऑल आउट वो हमें सोचना है। शक्ति स्वरूप युगल स्वरूप है, साजन लेने आया है तो शक्ति बनने की पढ़ाई भी पढ़ाता है, ताकि एंड के समय में शक्ति मीनिंग युगल स्वरूप बन जाए। और देखिए शक्ति भी शिव शक्ति गाई जाती है, शक्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति का वो नहीं है, लेकिन शिव के कारण शक्ति है, शिव का युगल स्वरूप जो है वो शिव शक्ति का रूप है। तो शक्ति जो प्रत्यक्ष भी होगी, तो देखिए आज अगर शक्तियां दिखेंगी भी तो वो क्या करेंगी, वो हर वो कार्य करेगी या वो हर वो धरनी तैयार कर देगी, जो भी कर देगी जिससे कि शिव प्रत्यक्ष हो। इवेंचुअली तो शक्तियां भी गुप्ती रहेंगी, ऐसा नहीं हमारा ये चेहरा जो आज मेरा ये चेहरा है ये दिखेगा शक्ति के रूप में, नहीं, शक्ति स्वरूप जो दिखेगा लेकिन उसके पीछे जिसका साक्षात्कार होगा या जिस जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो शिव बाबा ही होंगे, क्योंकि हम भी उनके युगल रूप में ही सामने जाएंगे। तो पांडवों को बेहद का नहीं दिखाया है, उनका कोई विकराल रूप नहीं दिखाया है, बट बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बुद्धि वाला रूप दिखाया है, बेसिकली बुद्धि वाला रूप जिसको हम कह सकते हैं प्रीत बुद्धि टू बी एग्जैक्ट, बट शक्ति के स्वरूप में डेडिकेशन है, शिव के प्रति समर्पण है, बट ऑल्सो माँ का स्वरूप है तो पालना एंड प्रोटेक्शन का रूप है, शरण देने का रूप है। हमारे शास्त्र में कितने सुंदर से बयां हैं कि पांडवों किस तरह से वो राज्य पाते हैं और शक्तियां किस तरीके से जीतती है, दोनों की अलग अलग रीति है, दोनों के अलग अलग नियम है, दोनों के अलग अलग चलन है। पांडवों को बहुत ज्यादा बुद्धिवान दिखाया है ना, बहुत बुद्धि लगाते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। देखिए आज हम पांडवों का जब हम दृष्टांत देख रहे हैं तो महाभारत तो सामने आनी ही है, और महाभारत में देखिए हर एक चीज कितने प्लानिंग से हुई है, और वहां पर कृष्ण का रूप जो है या कृष्ण जो सारथी बने हुए हैं वो सारथी स्वरूप में जब कृष्ण है तो वो भी प्लानिंग में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए हैं, पर क्या किया है, पांडवों को की बुद्धि को खोलते गए हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और पांडव वो जो हर एक डायरेक्शन पे तुरंत 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 उन्होंने स्टेप उठाया है। कृष्ण ने कहा तुम ऐसे करो, अब जैसे सबसे बड़ी दुविधा थी उनके सामने, जब भी वो दुर्योधन को मारने जा रहे थे उसको मारते थे तो वो वापस जुड़ जाता था, बार बार कंबाइन हो जाता था, तो कृष्ण ने बताया कि नहीं आप उनको दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेंको ताकि कंबाइन नहीं हो पाए। उन्होंने क्या किया, कृष्ण का स्वरूप पूरे के पूरे महाभारत में सिर्फ बुद्धि वाला रहा है। तो कितना हम सोच सकते हैं इसके ऊपर और मंथन कर सकते हैं कि कितने गहराई से ये सारे रोल्स प्ले आउट होने वाले हैं, और बाबा के किन किन गुणों और शक्तियों को हम यूज करके या बाबा के किन किन
स्ट्रैटेजी को, जो अलग अलग सेवा की चीजें हैं या अलग अलग रोल्स को यूज करके हमारा भी पार्ट आगे चलने वाला है, हम भी किस सेवा के निमित्त बनने वाले हैं, थोड़ा हमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जितना हमें पता होगा कि हम किस तरह की सेवा करने वाले हैं या हमें बाबा किस तरह की सेवा के लिए यूज कर रहा है, उसी यूज करने वाला है, वो जानकारी होने के कारण, वो नॉलेज होने के कारण हम आज के हमारे जो पेपर हमारे सामने आते हैं उसमें हम हलचल में नहीं आएंगे। हम समझेंगे इसको, गहराई से हमारे अंदर उतरेगा कि भाई आने वाले समय में मेरा रोल है हीरो रोल है और बहुत बड़ा रोल है, और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे इन क्लासेस को क्लियर करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे वो समझ धारण नहीं करेंगे, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो शक्ति की हो, चाहे वो समर्पण की हो, चाहे वो नए नए कर्तव्यों को धारण करने की हो, अगर नहीं करेंगे तो अंत की जो हमारी एक्चुअल सेवा है, जब एक्चुअल लड़ाई लगने वाली है, जिसके लिए बाबा बोलते हैं अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, जब तुम कर्मातीत हो गए तब लड़ाई शुरू हो गई, तो उस लड़ाई के लिए हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? उसकी तैयारी तो आज ही चल रही है ना, आज ही हमारे अंदर वो हर एक स्ट्रेटेजी भरी जा रही है ताकि कल को उस लड़ाई में हम सफल हुए। तो यही आज का मंत्र था। अच्छा, ओम शांति।